हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैलीफ्लावर की करी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, कैलीफ्लावर में बहुत ही कम वैरायटी होती है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की वैरायटी आपको बना के दिखाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए होगा कढ़ाई। कढ़ाई को रख लें लो फ्लेम में, उसमें डालें सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है, नॉर्मल तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए तेल, उसमें आप डालें बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ आलू और कैलीफ्लावर। तो दोस्तों, हमें बड़े टुकड़े इसलिए काटने हैं क्योंकि हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। फ्राई करने पर ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये ब्रेक हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस साइज़ में रखा है। तो उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए कवर कर लीजिए। 5 से 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से प्लफ़ी बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिल मार्क्स जो है आ चुके हैं। इस स्टेज पे आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ऐड नहीं करी, लास्ट में ऐड करूँगी। तो अभी हम निकाल के इसे सेपरेट बाउल में रख लेते हैं और इसे साइड में रख के बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों तेल और थोड़ा सा जीरा इसमें डाल लिया है। जैसे जीरा स्प्लैटर हो रहा हो, लहसुन और अदरक का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 लहसुन और 1 इंच अदरक लिया है। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें डालने के बाद, जैसे ये फ्राई हो जाते हैं, उसके बाद एक बड़ा ऑनियन मैंने इसमें कट करके डाल लिया है। तो जैसे ही आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसे लाइट ब्राउन होने तक के लिए कुक कर लीजिए। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाता है, इसमें ऐड करें 1 टमाटर, जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। तो टमाटर कुक होने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी भर का मटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों, मटर को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के कवर कर लीजिए। जैसे ही 5 से 10 मिनट हो जाएं, उसमें आप ऐड कर दीजिए मसाले। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्पून चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो दोस्तों, यहाँ पर जीरा पाउडर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने जीरा इसमें ऐड किया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए और ढक्कन लगा के कवर कर लीजिए ताकि मसाला जो है अच्छे से कुक हो जाए। तो अब हम ढक्कन लगा के कवर कर लेते हैं दोस्तों। 1 से 2 मिनट के बाद ढक्कन निकाल के ऐसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू और कैलीफ्लावर। तो जो कैलीफ्लावर हमने फ्राई करके रखा था, उसे ऑलमोस्ट 80-90% हमने कुक कर लिया था दोस्तों। तो इसीलिए अभी हम इतना ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा गर्म होने के लिए हम ढक्कन लगा के कवर करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसमें आप ऐड करें थोड़ा सा सॉल्ट। तो यहाँ पे आधा चम्मच सॉल्ट का इस्तेमाल किया है और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के कवर कर लीजिए। थोड़ी देर बाद ढक्कन निकाल के इसमें गार्निश कर लीजिए धनिए के साथ। तो हमारी करी जो है बन के तैयार हो जाएगी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और धनिए से गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पे गार्निश कर लिया है दोस्तों, तो हमारी करी बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।